जज़ाकअल्लाह जनाबे वसीम रिज़वी साहब बेहतरीन अशआर अपनी खूबसूरत आवाज़ में पेश फरमा रहे थे। आइए हज़रात सिलसिले को आगे बढ़ा के हमारी सीरीज में इस वक्त दो मोहतरम और मोहतरमा काम है जनाब मौलाना की अब्बास मुबीन आज़मी साहब और बरादर अजीज हरदीन अजीज वसीम काज़मी साहब जिनसे बहुत अच्छी शायरी सुनी आप हज़रात को। बात चल रही थी मुझे मंजूर आज़मी साहब जो बहुत ही कीमती चार चीज़ें याद आ गए मुलाजा फरमाए और यूँ तो देखिए हमारे सारे जो शोराए कराम इस वक्त और यूँ भी कभी मजमा नहीं देखते कुछ नहीं देखते मजमा कम हो ज़्यादा हो हमारा ये अकीदा है हकीकत भी है कि जो कुछ पढ़ा जाए उसे मौला कबूल फरमाए। और इसके अलावा वसीम भाई सारे लोग की ये प्रोग्राम जो है अशआर जो है नफीस भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं इंशाल्लाह मजमा भले कम हो सारी दुनिया देखती है मुसलसल ये बार बार अपने चैनल पे दिखाते हैं सारे प्रोग्राम 24 घंटे इस पर इनकी जारी रहती है। सेलुलर सेंट्रल चैनल पे आप प्रोग्राम मुसलसल सारे प्रोग्राम यूपी इंडिया सारे देख सकते हैं आपको मुसलसल इनकी खिदमत होती है। मंजूर साहब के बहुत ही दिन की चार मित्र हासिल करता हूँ जब से रोते हुए सजाद मसल्ले को मिले राजा फरमाए यही सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूँ जब से रोते हुए सज्जाद मसल्ले पर मिले फर्द सरवर की अता हो गई दीदारों पर बहुत जिंदगी चार मित्र मंजूर साहब के आपके चैनल पर रिपोर्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह लोग बहुत पसंद करेंगे कि जब से रोते हुए सज्जाद मसल्ले पर मिले फर्द सरवर की अता हो गई दीदारों पर अच्छी लगती है सिया पोशिए काबा भी मगर और फिरती है ये पोशाक अदादारों पर और खिलती है ये पोशाक अदादारों पर। मैं जो कुछ भी पढ़ रहा हूँ बस नियत से कि जो पढ़ा जा रहा है मौला सकर हुसैन साहब के अमल दर्जात बुलंद फरमाए उन्हें सलाम पहुंचे और इस नियत से सारे लोगों को सवाब पहुंचेगा। तो तीन शेर और पढ़ता हूँ उसके बाद दो मोहतरम शायर जो कि बहुत अच्छी शायरी अब आपको सुननी है यहाँ पे के अच्छी लगती है सिया पोशिए काबा भी मगर और खिलती है ये पोशाक अदादारों पर। ये सरवर नवाब साहब के तीन शेर पढ़े थे तो मैंने कभी ना सोचा मजमा का मजमा तो जिंदगी भर मजमा बख्शवाने वाला नहीं मौला बख्शवाएंगे इंशाल्लाह। मैं शेर पढ़ता हूँ हुर शर्म के पसीने में पहले नहाए थे कि कुरान कुरान जैसे नुक्ते
समंदर में आलास 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 हम खेल से निकल कर समंदर में आए हैं। आज आप जैनों का बहुत अच्छी शायरी सुने होंगे, आपकी समझ में आ रही है। तशरीफ लाए फरमा पाओगे।